हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडीज जीएस विद शिवम। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मेंस एग्जाम डेट अपडेट लेके आया हूँ। उत्तराखंड अपर पीसीएस का मेंस जो है 20 अगस्त से जो है होना है, ये अनाउंस्ड है 20 अगस्त से। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं उत्तराखंड के अंदर जिससे ये लग रहा है, माइंड यू ये लग रहा है, ऐसा कुछ रिटर्न में ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सकता है। क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले उत्तराखंड पीसीएस का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम था जो कि पोस्टपोन हुआ है। हाउएवर उसमें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कांवड़ यात्रा की वजह से जो है पोस्टपोन किया गया है एग्ज़ाम। तो कांवड़ यात्रा जुलाई के अंदर ख़त्म हो जाएगी लेकिन हमारा एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। लेकिन फिर भी कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सकता है, तो मैं वो सारी चीज़ें एड्रेस करूँगा। पहली क्वेश्चन तो ये चीज़, और सेकंड चीज़ मैं एक चीज़ और एड्रेस करूँगा कि अभी भी क्या कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं क्या जो प्रीलिम्स में फेल हो गए और जो मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कुछ बच्चे अभी भी मेंस के अंदर आ सकते हैं क्या। तो ये 2 चीज़ें मैं एड्रेस करूँगा आज की इस वीडियो में। तो बेसिकली हो क्या रहा है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर 2 केस अभी चल रहे हैं। पहला केस इज अबाउट क्वेश्चंस कि उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और जिस तरह की उनकी आंसर की आई, उसमें अभी भी थोड़ा बहुत वेगनेस है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आंसर कुछ और हो सकता था, और उसी के कारण कुछ बच्चे अभी भी ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि हमें मेंस में लिखना, मेंस देना जो है अलाउड कर देना चाहिए, और वही बच्चे रिट पिटिशन के साथ जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट गए हुए हैं। तो एक तो मैटर उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड है। सेकंड मैटर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर के जो बीएससी एग्रीकल्चर करके बैठे हैं, और उत्तराखंड पीसीएस ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा था कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे उन्होंने एलिजिबिलिटी के सामने बीएससी एग्रीकल्चर लिखा था, यानी बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को ही वो पोस्ट वो देना चाहते थे, और अलग से बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ भी आई थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ बी एस सी एग्रीकल्चर बच्चों के लिए 70 आई थी और कुछ बच्चों के मार्क्स इससे ऊपर यानी 75 है, लेकिन उन बच्चों का उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। तो ये बच्चे अब क्लेम कर रहे हैं कि हमने बी एस सी एग्रीकल्चर की हुई है और हमारे मार्क्स भी कट ऑफ से ज़्यादा हैं लेकिन हमारा नाम लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ये बच्चे भी रिट पिटिशन के थ्रू उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो उनमें से एक का जो है डिसीजन 4 जुलाई को आना था, और 4 जुलाई का जो नोटिफिकेशन जो रिलीज किया उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो है नोटिफिकेशन था, जो रूलिंग है, जो रिजल्ट है, ये जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया, ये आपके सामने है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे इसको पुट कर दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन मेन चीज़ें देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है 4 जुलाई का जो है जजमेंट है, रिट पिटिशन 336 ऑफ 2022 बाय सोएब हुसैन एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, बहुत सारे बच्चों ने डाली हुई है। तो ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इट इज़ अबाउट उत्तराखंड सिविल, ये देखिए, कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज प्री एग्जाम 2021, ये जो है इसके बारे में जो है रिट पिटिशन डाली गई थी। अब इसका रिजल्ट या फिर इसकी जजमेंट क्या दी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ द रिट पिटिशन, उत्तराखंड ने डिस्पोज कर दिया यानी फाइनल रिजल्ट इसमें दे दिया है अपने साइड से, और उन्होंने कहा है कि जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, 4 से 5 क्वेश्चंस की इस पूरे डॉक्यूमेंट में बात की गई है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये रिकंसिडर किया जाए इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट जजमेंट, और जजमेंट का नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट में जो पहले जजमेंट ये हुई थी अप्रेम कुरी के नाम से जो पहले जजमेंट थी, इसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा है कि द रिकंसिडरेशन शैल टेक प्लेस विद इन 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों के अंदर, यानी 14 डेज के अंदर जो है इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए इन क्वेश्चंस के ऊपर, और जो भी रिजल्ट होगा वो 14 दिन के अंदर जो है आपको देना है। यानी 4 तारीख को रिजल्ट आया था और 14 दिन अभी और इसके अंदर लगेंगे इस रिट पिटिशन के लिए लेकर, तो ऑलमोस्ट 18 जुलाई तक तो आपका यही डिसाइड होगा कि इस पिटिशन का होना क्या है, यानी इन क्वेश्चंस को सही माना जाएगा या फिर गलत माना जाएगा। अगर सही माना जाता है तो उन बच्चों को एडमिट किया जाएगा और उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो मेंस लिख पाएं। तो ये कौन बच्चे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है बाय अ मार्जिन ऑफ लेट से 3 मार्क्स, बिलो 3 मार्क्स जिनका भी है, 3 नंबर से जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 3 नंबर से रह गया है, 3 से कम, 3 या फिर 3 से कम,
उन बच्चों के अभी भी चांस है कि वो अभी भी मेंस लिख सकते हैं अगर ये एडवाइजरी कमेटी जो भी बैठने वाली है ये उनको अलाउ कर दे तो। बल्कि ये पॉजिटिव चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है ये उन बच्चों के लिए जो जो 2 या 3 नंबर से रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्क्रिपेंसी पाई गई है क्वेश्चंस के अंदर, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज बिल्कुल है। तो ये 14 दिन अभी भी और लगेंगे, तो देखना होगा कि 18-20 जुलाई तक ये आएगी चीजें, तो तब कुछ होता है या नहीं होता है। तो ये रिट पिटीशन क्वेश्चंस को रिलेटेड थी, और दूसरी रिट पिटीशन जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वालों की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अभी डली हुई है। आई गेस उसका भी जजमेंट मेरे ख्याल से 10 से 20 जुलाई के बीच में कोई डेट है जो उस दिन उत्तराखंड हाई कोर्ट उसको हियर करेगा। तो मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और कुछ बच्चे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए रेडी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको डाला जा सकता है। तो अगर ये जुडिशरी के एंड में पेंडिंग रहती हैं चीजें, तो इस बैकग्राउंड में मेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो इसलिए ये काफी अच्छा चांस है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो सकता है। तो एक फैक्टर तो ये था जो कि हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। एक और फैक्टर है जो इस एग्जाम को पोस्टपोन कर सकता है, वो ये है कि अभी लोकल अखबार में 4 से 5 दिन पहले एक खबर छपी थी। खबर ये थी कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर लास्ट 2 साल से जिला पंचायत के चुनाव जो है पेंडिंग है, और आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो कि जिला पंचायत के जो चुनाव है वो अल्टीमेटली ऑन टाइम होने चाहिए, विद इन 6 मंथ्स होने चाहिए, लेकिन 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो ये बहुत बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी इस पे जो है फटकार लगाई है कि ये चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। तो इसलिए जो है अभी लोकल अखबार ने इस चीज को कवर किया था, और ऐसा माना जा रहा है कि 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच में ये जो है जिला स्तरीय चुनाव हरिद्वार जिले में, ये सिर्फ हरिद्वार जिले के अंदर है, तो ये चुनाव 20 से 25 अगस्त के बीच में कराए जा सकते हैं। ये भी अटकलें अभी लगाई जा रही हैं, कुछ फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन एक लोकल अखबार ने खबर में ये पुष्टि की थी, ये कवर किया था। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर 20 से 25 अगस्त के बीच में ये एग्जाम सॉरी ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, और हमारा भी जो आपका एग्जाम है वो 20 से लेकर 23 अगस्त है, तो यानी अगर इलेक्शन होंगे हरिद्वार जिले में तो काफी मुश्किल हो जाएगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जो कि हरिद्वार के अंदर ही स्थित है, वो एग्जाम कंडक्ट कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस फैक्टर से भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें थी जिसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी अभी ज्यादा नहीं है, बट ये है कि हाँ ये भी पैरेलली आपके एग्जाम के साथ साथ चल रही है। तो इन बैकग्राउंड के साथ पोस्टपोन एग्जाम होने की कुछ ना कुछ चांसेस तो है, जो कि काफी हद तक बच्चे चाहते भी हैं, बिकॉज जिस कदर का सिलेबस है उस कदर से इतना गैप नहीं दिया गया प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जिस जिस तरह से अदर एग्जाम से, जैसे एफआरओ का एग्जाम है वहाँ पे 7 से 8 महीने का समय मिला, ठीक है, और वहीं लोअर पीसीएस का एग्जाम है वहाँ पे भी 7 से 8 महीने का समय मिला, जबकि एग्जाम बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू अपर पीसीएस। अपर पीसीएस में आपका 1500 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो यानी बहुत बड़ा एग्जाम है, समय देना चाहिए था। तो अगर अभी भी पोस्टपोन होता है तो बच्चे चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 महीने का समय तो और मिल जाए, ताकि जो है प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो जाए। और अगेन हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन के गलती की वजह से मेंस लिस्ट से बाहर बैठे हैं, वो भी स्टूडेंट हैं, वो भी फील कर रहे होंगे कि हमें भी मेंस एग्जाम देना चाहिए था। तो शायद अगर कुछ फेवर उनके लिए भी होता है तो सबके लिए जो है पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो लेट्स सी इस चीज़ में अब क्या होता है क्या नहीं, ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही थी हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो इसके साथ साथ एक अपडेट मैं आपके साथ और देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे उत्तराखंड पीसीएस का मेन लिख रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही थी, और अभी इसमें 5 टेस्ट पूरे कंडक्ट करा चुके हैं, और इसकी हमने विंडो क्लोज कर दी थी बिकॉज हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी थी, और उस वक्त हमने बोला था कि हम स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे लेंगे। हमने 30 बच्चे पूरे किए थे और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स काफी मैसेज कर रहे थे कि सर हमें भी ये टेस्ट सीरीज लगानी है, तो इसलिए हमने अब लिमिटेड हमारी जो कैपेसिटी उसको थोड़ा एक्सपेंड किया है, तो हमने इसको विंडो को दोबारा ओपन किया है। तो अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं और उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं मेंस की, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ये आपके सामने 8742930164 ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हमारे पास अब 2 ऑफर चल रहे हैं, 2 शेड्यूल में टेस्ट सीरीज चल रहा है। दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी टेस्ट सीरीज की। वो ये है कि अगर आपको 21 टेस्ट चाहिए, 21 टेस्ट, तो उसकी कॉस्ट मिलेगी आपको 2000 रुपीज़, जो हमने पहले भी चलाई थी वही सेम कॉस्ट है, हम बढ़ा नहीं रहे हैं इसको, ठीक है।
और अगर आपको इससे कम यानी 14 टेस्ट चाहिए यानी पर सब्जेक्ट 2 टेस्ट, तो इसके लिए आपको फीस जमा करनी पड़ेगी 1500 रुपीज ओनली, जिसमें कि आपका आंसर इवेल्यूशन सब कुछ आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ये गिवन नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आप टेस्ट सीरीज वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज के लिए था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ आपको इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ अपने शेयर करने हैं कमेंट, जो भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप ये शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बिकॉज जहाँ तक उम्मीद है, मैं पेपर 3 और पेपर 6 की जो क्लासेज हैं वो फ्री में जो है अपने चैनल पे डालने वाला हूँ उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मैं कुछ कंटेंट अपने चैनल पे डालने वाला हूँ मेंस से रिलेटेड। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली उत्तराखंड पीसीएस मेंस से रिलेटेड होगा, बहुत हेल्प करेगा आपको ये चीज़ें कवर करने के लिए। तो अगर आपने ये चैनल, ये क्लास देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो ये आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।